बता दिया जाए कि आज की एक तरफ डोमिनेंट विक्ट्री, दूसरी तरफ जनाब डुसन की शानदार इनिंग की समझ ही नहीं आ रहा था, नेल बाइटिंग मैच कर दिया था. विच इनिंग हैव यू एंजॉयड द मोस्ट सर, एंड विच इनिंग हैव यू एंजॉयड रव जी? और इज इट टू डिफिकल्ट टू आंसर, बताइए. जी आपने सवाल किसको किया? दोनों को कर दिया. आप लोगों ने कौन सी इनिंग एंजॉय की है, पिशावर की बैटिंग या पिशावर की? हमने पूरा मैच एंजॉय किया है, क्योंकि ये पहला मैच था जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ. उसकी रीज़न ये थी कि आज थोड़ा सा डिसीजन जो था वो बॉलिंग करने का पहले शाहीन ने किया, जिससे उसको समझ आ जानी चाहिए कि आज मैच भी काफ़ी क्लोज गया है. उसकी रीज़न देखें, जो जहां तक मैच एंजॉय का ताल्लुक है, तो हमने पहली इनिंग में साइम और बाबर की और साइक उसकी पावल की जो इनिंग देखी है, वो उससे अच्छी इनिंग हो ही नहीं सकती थी. देखे बाबर ने जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो साथ अपने सैम को खिलाता गया. लोग अक्सर उसकी बात करते हैं कि वो स्लो खेलता है, वो करता है, मगर आप देखें वो वाहद पाकिस्तान का प्लेयर है जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा है और टीम को साथ ले कर चल. और आज भी अगर देखें उसमें सैम पिछले 2-3 इनिंग से कुछ नहीं कर रहा था, मगर उसने उसको साथ खिलाया और उसको गलत हिटे शुरू में उसको हिट नहीं मारने दी और साथ साथ ले कर चलता रहा. तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ होती है अच्छे प्लेयर की कि वो अपनी टीम को साथ बाकी प्लेयरों को भी चलाए. देखें इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आज साइम ने जो 88 की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी शॉटें देखने को मिली, बहुत मज़ा आया. उसके बाद जो मेरा ख्याल है मैच जो बनाया बीच में आके, क्योंकि बीच में आके ओवर जो थे ना, थोड़ा सा स्लो रन रेट हुआ था. ब्रेथवेट एक ऐसा बॉलर था जिसको इनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था. उसके 3 ओवरों में इन्होंने स्कोर बहुत स्लो कर दिया था. हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि ये मौका होता है कि जब 2 बैट्समैन सेट हो तो उसको स्कोर जो वीक लिंक होता है उसको उस पर फ़ायदा उठाना चाहिए. मगर उसके बाद जो आके मेरा ख्याल है जो मैच बनाया है वो पावल की इनिंग थी. उसने 20 ओवरों में आके जो 46 किया, वो उसने एकदम ही इतना ज़्यादा, मतलब अभी तक हाईएस्ट स्कोर देखे ना इस टूर्नामेंट का हुआ है, जो कि अभी तक आपको नज़र नहीं आया था. उसकी इनिंग ने 211 तक ले गए. तो मेरा ख्याल है कि मैच तो आज बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद दूसन की इनिंग को अगर आप देख लें, इससे अच्छी वैसे तो वो हम सबका फेवरेट है, मेरा और रऊफ. हम अक्सर उसकी बातें करते हैं कि ऐसे प्लेयर कम होते हैं, और उसने जो इनिंग खेली है वो शायद ही इस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिले. बहुत ही कमाल की इनिंग थी. तो मेरा ख्याल है मैच ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ. मैच बहुत अच्छा था. जहां बात हो रही है डुसन की इनिंग्स की, याद रहे कि इस टूर्नामेंट का पीएसएल सीजन 9 की आज पहली सेंचुरी हुई है. और अगर हम बात करें पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर्स की हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल सो फार, ये पहली बार है कि पेशावर जर्मी ने उनको इतना हाई स्कोरिंग मैच दिया हो, 211. तो आज 2 रिकॉर्ड्स जनाब बने हैं. इट वॉज एन अमेजिंग मैच